नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल, आई एम ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव ब्लॉगिंग। इस ब्लॉग में हम हमारी जिंदगी को फिक्स करेंगे, मैं बताती हूँ कैसे। तो पहले ना अब देखो कल मैंने क्या किया, फिर वापस आओ। जिंदगी फिक्स करने से एक रात पहले मैं ये काम करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू ईट दिस कप्पा नूडल्स। कल से सब सुधार लेंगे, बट अभी खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू एंजॉय कॉफी विद करण का एपिसोड। तो लाइक मिनी पार्टी इन माई रूम। तो मैं ना पास कुछ दिनों से बहुत ऐसे अच्छा, बहुत हेल्दी नहीं जी रही हूँ। और कल मुझे मेरी स्किन में बेकार लग रही थी, बट आज अच्छी लगने लगती है यार। पर मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ आज, बट पता है मैंने मुंह भी नहीं धुला है सुबह उठ के, और मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ। और मैं ना फालतू तैयार हो जाती हूँ, बहुत सारा ब्लश लगा लेती हूँ इधर उधर। मैं बताती हूँ, मुझे ना थोड़ा सा एक्सरसाइज चालू करनी है और हेल्दी खाना चालू करना है, क्योंकि ना मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा ही लेथार्जिक फील होने लगा है। मतलब पहले ना मैं थोड़ी सी आलसी हुआ करती थी, आलसी होने के बीच मैं थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेती हूँ। सो लाइक दीज डेज आलसी इज माई लाइफ स्टाइल, नॉट अ गुड लाइफ स्टाइल, बट आई एक्चुअली एंजॉय इट। सो तो अभी का प्लान ये कि मुझे ना काम करना है। आई नीड टू एडिट, आई नीड टू शॉर्ट फुटेज, मुझे और भी मतलब ऐसे ही बेसिक जो हम क्रिएटर्स के काम होते हैं वो कर रहे हैं। बट मैंने अभी भी मस्त ब्रेकफास्ट किया, मैंने चाय भाकरी खा ली है। तो अभी हमें करनी है एक्सरसाइज। मैं आई शुड बी अशेम्ड ऑफ सेइंग दिस, बट नहीं हूँ मैं बेशरम ही हूँ, और मैं फिर से हो जाऊंगी। मैं लगभग कुछ दो महीने बाद एक्सरसाइज कर रही होंगी। लानत है भोपाली, लोग पता नहीं कैसे इतने हॉट और सेक्सी लगते हैं एक्सरसाइज करते वक्त। आई रियली लुक वेरी वियर्ड, मैं खुद को ही नहीं देख पाती एक्सरसाइज करता हुआ। बट ठीक है, आज हम आपको एक्सरसाइज करते हुए वाले टाइम लैप्स दिखाएंगे। जी बहुत ही गंदा स्टेमिना हो चुका है, सिर्फ 13 मिनट का कार्डियो किया गया है और मेरी सांस ऐसे फूल रही है। ओह माय गॉड, मेरे घर के सामने 2 पिजन्स मेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये ना मैंने जितनी स्पेगेटी मैगी खाई है ना, ये सब उसी का असर है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट इट स्लो, आज 10, कल 20, फिर आधे घंटे करेंगे हम। ओह बट आई फील सो गुड। मुझे ना नॉर्मली पसीना नहीं आता। देखो मतलब इतनी थक गई फिर मैं बकवास पूरी कर सकती हूँ, बोल मैं कभी भी सकती हूँ। मेरे को ना नॉर्मली इतना पसीना नहीं आता, गर्मी वर्मी मेरे को लगती है पर पसीना नहीं आता इतना जैसे अभी आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता है ये जो लोग कहते हैं ना कि वर्कआउट करो आपको अच्छा लगेगा, ये मेरे को वैसे थोड़ा झोल टाइप लगता था। बट आई रिमेम्बर जब मैंने सदियों पहले जिम ज्वाइन की थी, मुझे वैसा लगता है। मैं ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो गई थी, मैंने वो 10-15 मिनट का कुछ कार्डियो किया, उसके बाद मैंने अच्छी खासी स्ट्रेचिंग की है। और स्ट्रेचिंग करती हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। तो मेरे कंधे में ना नॉर्मली भी दर्द रहता है, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है बट मैं जा नहीं पाती हूँ। तो मुझे मैंने कंधों की और लाइक फुल बॉडी स्ट्रेचिंग की, इतना रिलैक्स फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने मसाज करवा ली है, इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे। सो यस, एक्सरसाइज और ये सब कुछ डन, गुड गर्ल दूसरे तरीके से आज हम बन चुके हैं। अब मुझे इतनी भूख लग गई बता नहीं सकते, हम हंगरी, बहुत ज्यादा हंगरी। सो नीचे चलते हैं, मम्मी ने देखते क्या बनाया। पता है जिस दिन मैं हेल्दी होने का सोच रही हूँ उस दिन मेरी मम्मी ने कुछ अनहेल्दी बनाया होता है, पता नहीं सकती होता है। हेलो गाइस, आगे जाने से पहले आई हैव समथिंग वेरी क्यूट टू शो यू गाइस। ये कितना सुंदर पैकेज है, नहीं मैं सोने नहीं जा रही। दिस इज आई फील ऑन क्लाउड 9। Let's unbox this. इस पिलो में है ये दो अमेजिंग फेस वॉश, दिस इज पॉन्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश एंड दिस इज पॉन्स प्योर डिटॉक्स फेस वॉश। तो पॉन्स ना एक्चुअली हमारी फैमिली का हिस्सा काफी टाइम से, आई रिमेम्बर एज अ किड माई मॉम यूजिंग पॉन्स। मेरी स्किन के लिए आई नीड द परफेक्ट इंग्रीडियंट्स। पॉन्स ब्राइट ब्यूटी में है नाइसिनमाइड जो मेरी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, डीप पोर्स को क्लीन करता है। एंड पॉन्स प्योर डिटॉक्स में है एक्टिवेटेड चारकोल जो आपकी स्किन को अच्छे से जेंटली एक्सफोलिएट करता है। मुझे पर्सनली पसंद है पॉन्स ब्राइट ब्यूटी फोमिंग ब्रश फेस वॉश, क्योंकि मुझसे लंबा स्किन केयर तो होता नहीं है। सो दिस फेस वॉश हेल्प्स मी अ लॉट, ये पोर्स को अंदर से क्लीन कर देता है,
बस एक बार पंप करो और ब्रश से 2 मिनट मसाज करके रिंस कर लो. इट्स दैट सिंपल. प्रीमियम एप्लीकेटर ब्रश भी है तो फिंगर्स से एक्ने वाले जर्म्स की भी कोई टेंशन नहीं. ऑल्सो दिस इज एक्चुअली वेरी सॉफ्ट और हम जैसे अलसियों के लिए ये बढ़िया चीज है. इतना रिच एंड क्रीमी फोम टेक्सचर है इसका. सबसे बेस्ट चीज ये कि दोनों फोमिंग ब्रश फेस वॉशेस सोप फ्री है, पैराबिन फ्री है और ऑल्सो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है. आई फील सो फ्रेश एंड क्लीन. यू कैन ऑल्सो गेट दिस, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ आई नीड टू गेट टू वर्क. मेरे पास ना थोड़े से काम है, मैं सोचू मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ. इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज फील होने लग गया है बस एक्सरसाइज करके और फ्रूट खाके. मैं ये और बताना चाहती थी, वैसे फिक्सिंग माई लाइफ में मुझे सुबह भी जल्दी उठना था, बट आई गेस अब वो पार्ट हम फॉर एवर के लिए मिस कर चुके हैं यार. मैं मेरे से नहीं हो पा रहा वो. सो हैप्पी एंड सो हैप्पी सो हैप्पी सो हैप्पी बता नहीं सकती मैं. तीन चार दिन पहले बहुत ओवरथिंकिंग करने के बाद, थोड़ा दिमाग खराब करने के बाद, मैंने अपने लिए थोड़ी सी इम्पल्स शॉपिंग कर ली थी. उसका पार्सल आ गया है. भैया दीदी ओके गाइस, मैंने ना तो कुछ 5 ड्रेस मंगवाई हैं ऑर्गेनिक से. ये सारी सेल पे थी और मैंने इसको इतना इम्पल्सली मेरे बैग में डाला और मैंने मंगवा ली. मैंने कभी इतनी जल्दी ऐसी शॉपिंग नहीं की. नॉर्मली थोड़े से लेकिन मैं सोच के कर लेती हूँ और ऑनलाइन वाली तो खास कर. ऑफलाइन चलो दिख गया, पसंद आ गया तो ले लिया. आई होप ये अच्छी आई हूँ. लेट्स ट्राई देम आउट. ड्रेस नंबर 1 मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बहुत प्योर सी फिटिंग है इसकी. ड्रेस नंबर 2 ये क्यूट तो लग रही है बट ये ढीली है यार, काफी ढीली है. ये इनका स्मॉल साइज है. क्यूट है ना, लाइक यू नो दिस इज गुड एज़ लाइक कैजुअल वेयर पहनने के लिए. और ये महंगी भी नहीं है, कुछ 700 रुपीज की थी. दिस इज अ वेरी क्यूट ड्रेस. ये इसकी फिटिंग भी मस्त आई है और मुझे लग भी बहुत अच्छी लगी है. ये तो साड़ी को बहुत ही अच्छी लगेगी. आज ऐसा लगता है थोड़ा सा एक मैटरनिटी शूट भी कर ही लेती हूँ मैं. कोई मुझे प्लीज ये बताओ ये कहाँ से साइज एक्सेस है, ये किधर से एक्स्ट्रा स्मॉल है भाई. ये ऐसा लग रहा है वो जो मैटरनिटी शूट के बाद ना मेरे बेबी हो गया और मैंने वापस मैटरनिटी के ही कपड़े पहन लिए. ये सेलू को बहुत अच्छी आई है और उसके ऊपर भी बहुत सुंदर लगेगी. सो दिस गोज टू सेलू. ओके गाइस, इट्स टाइम टू टेक श्योर एकदम गुड गर्ल बनने का टाइम है और क्योंकि नए कपड़े आए हैं ऑब्वियसली हम यही पहनेंगे. वैसे तो मैं मेरे फोन से ही ब्लॉग करती हूँ बट मेरे फोन में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है यार. इसका स्टोरेज इतना ज्यादा नहीं है और मुझे ऐसे थोड़ा चाहिए कि मैं थोड़ी तो अच्छे वीडियोस, मेरा भी मन करते लेकिन अच्छे अच्छा चाय का और सिनेमेटिक शॉर्ट वॉट ले सकूँ. तो इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू गेट अ न्यू कैमरा फॉर माय सेल्फ. ये तो वो हम कल लेने जाने वाले हैं. सो यस, मैं ना के एकदम मस्त गुड गर्ल बन चुकी हूँ. इट्स टाइम टू हैव सम फूड. लाइटें बंद कर देते हैं. ऑल्सो गाइज, मैं नीचे कुछ काम से आई थी और हम ना कल ये सारे प्लान्स लेके आए हैं. हमें और प्लान्स चाहिए थे. मैंने ना रबर प्लांट को कैसे नहीं मारते हैं का ट्यूटोरियल ले लिया है और ये सारे प्लांट्स हमारी बालकनी में जाएंगे. यहाँ पे ना अभी थोड़ा और पेंट का काम चल रहा है ऊपर, मतलब बाहर की साइड में. यहाँ पे जो आप कबाड़ खाना जैसा देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारे पास जगह है जहाँ पे हम बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं. सो हमारा प्लान तो वही है, यही करने का. बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स आ गए, हमने बालकनी के भी लिए हैं. तो मतलब घर अपने हाउस में तो बहुत पहले देख लिया है बट बाहर से अभी भी ये देख रहे हैं सारा काम, ये पूरी मेस पड़ा हुआ है क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे भी काम चल रहा है, छत पे भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, बाहर भी काम चल रहा है. सो सब कुछ हो रहा है. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून नहीं तो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग करते हैं. हाँ, मैंने सुबह व्लॉग ही कर पाई थी. मैं बनाए मठा के आलू, कद्दू की सब्जी. आज ऐसा लग रहा है यूपी के किसी भंडारे में जा रहे हैं. हेलो गाइस, मैंने वो जो बनाया था कि अगर ये काम नहीं हुआ तो गोपाली मारेगी, खुद भी मरेगी गोपाली और मारेगी भी, तो मैं वो काम करने लग गई हूँ. एंड ऑल्सो मैं अपने लिए कॉफी बना के ले आई हूँ. एक्चुअली ये जो आप कांच वाले स्ट्रॉ देख रहे हो ये ना अभी नए आए हैं, तो मेरे को कॉफी पीने का मन कर रहा था. और वो होता है ना ऐसे काम करते करते जो सिप ऑन कॉफी आपने ऐसे नेटफ्लिक्स पे और ऐसे बहुत सारे ड्रामों में देख लिया होता है कि ऐसे एस्थेटिकली बैठ के आप काम करोगे और कॉफी पियोगे, तो बस मेरा वही करने का मन था.
गाइस पता है हमने जब ऐसे व्लॉग लुक बनाना चालू किया हमें नहीं पता था इस नौकरी में ना आप कैसे लाइक ओके परफेक्ट यार जैसिन रियल गो थ्रू द ब्रीफ यार बट यू लर्न दैट इन द प्रोसेस यस यू लर्न दैट इन द प्रोसेस या आई डोंट रियली माइंड इट जानवी पॉटी करके फ्लश तो किया कर क्या कर रही थी तू मुझे बहुत मजा आ रहा था जानवी बहुत मजा आ रहा था अभी दीदी को कॉल आता है मैडम मैं आपको हिमालयन हॉलीडेज से बात कर रही हूँ मैं आपको और आपके हस्बैंड को डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ हिमालयन हॉलीडेज मैडम फिर दीदी बोलती है मेरी तो शादी अभी ना हमारा घर ही पेंट हो रहा है हमारे ना यहाँ से ऐसे बाजू से एक छत जाती है तो वो भैया जो हमारे घर में पेंट कर रहे थे वो पूरे व्हाइट हो चुके हैं और सर पे भी व्हाइट बांध रखे हैं और वो सडनली वहाँ पे आते और वॉक करते हो भाई मुंह वो ढक के ओ माय गॉड दैट्स स्केरी लुक्स लाइक अ रोबोट अरे भाई मैं डर एक पल के लिए मुझे लगा ये क्या देख रही हूँ मैं बट ठीक है मैं मुझे और मेरे हस्बैंड को इन्वाइट किया गया है फिर दीदी ने बोला नहीं मेरी तो शादी नहीं हुई है तो बोलते वो मुझसे ज्यादा डिसअपॉइंट स्नैक्स का टाइम हो गया है मेरे मखाने आए हैं यहाँ पे जानी हैविंग सम पॉपकॉर्न और ये जो आपको दिख रहा है मैंने डेकोरेट किया अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सब्सक्राइब टू माय चैनल वाह 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 यहाँ पे दादी और मम्मी हमारे साथ बैठ के चिल कर हेलो वो अपना जो टू डू लिस्ट बनाया था उसका काम चालू है मुझे नहीं लगता मैंने जितनी सारी चीजें लिखी थी वो सारी पूरी हो पाएंगी मुझे बहुत नींद ला रही है और अभी डिनर का टाइम हो गया है बाय द वे गाइस मैं ना अभी कुछ काम के लिए आधे घंटे बाहर गई थी वो काम कुछ बहुत सिली सा काम था बस मुझे एक कार्ड देना था और मुझे मतलब कॉपी करा के वापस आना था मेरे पास उतने में फोन आ गया किसी का एंड आई जस्ट ऑन अ कॉल मेरी मम्मी ने मैं स्क्रीनशॉट डालती हूँ मैं माई मॉम कॉल्ड मी ऑन 10:43 को मेरी बात हो रही है मेरी मम्मी से और उस दो मिनट में ये मेरी माँ इतना पैनिक कर गई कि जानवी के रूम में आके जानवी को भी परेशान कर रही है मेरे को लिटरली ऐसे बोल रही है मम्मी गोपाली फोन नहीं उठा रही कब से फोन नहीं उठा रही वो आज आनी चाहिए थी अभी तक सांस ले नहीं रही है ऐसे उलबुला इन जस्ट 2 मिनट्स मतलब मैं क्या बताऊं कभी भी कहीं मैं कहीं पे भी हूँ कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो आधे घंटे से फोन नहीं उठा रही अगर एक्चुअली आधा घंटा हो गया होता तो अभी तक तो सूरत में मुझे ढूंढने निकल गई होती पुलिस को खबर हो चुकी होती लड़की इनके मरकट के कहीं डल गई है इनको ये लग रहा होता और नहीं तो क्या मैं बता रही हूँ मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही मैं इतना मतलब आई वाज टू पिस्ड जानवी मुझे दीदी तू मम्मी को फोन क्यों नहीं उठा रही मैं बहन मैंने कहाँ नहीं उठाया कल जो मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज किया ना उसमें मेरे पाँव की थोड़ी सीटी भी ठीक गुल हो चुकी हेलो गाइज हम पहुंच चुके हैं फाइनली स्टेशन पे हेलो पारी हेलो पारी इज ऑल्सो जॉइनिंग अस भूख लगी है Are you hungry? No, not like you. Please shut up. Hi, Gopali. Hi. Guys, हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है और स्टेशन पे कहीं बैठने की जगह नहीं वो हम दूसरी ट्रेन में बैठने जाने रहे This feels good. Hi. Bye. Bye. बाजू वालों से बात भी नहीं करना ऑरेंज लाइट बज गया आ जा ओ चलदी 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 अंकल पारी तो पूछ रहे हैं भैया ये ट्रेन किधर जाएगी जब भैया इधर जाएगी जारा तुझे नोटिफिकेशन क्यों भेज रहा है तू कौन से जारा से कपड़े खरीदता है नहीं खरीदता ना एक शूज खरीदे हमारी ना बाजू वाली वहाँ किसी की प्लेट में समोसे दिख रहे हैं वो समोसे देख के पा रही क्या गरम सिंह मैं ये बकवास सुनते सुनते पहुंचूंगी मुंबई क्या है पता बड़ा नहीं इट्स सॉल्टी डोनट
गई थी, चली नहीं रही थी, चली नहीं रही थी, चली नहीं रही थी। ट्राइपॉड बट ये मेरे हाथ में फिट ही नहीं बैठ रहा है एंड दिस इज द कैमरा एंड लेंस व्लॉग एट ये इतना छोटू सा लग रहा है, इतने सारे पैसे चले गए। अब अगर मेरी वीडियोस किसी ने नहीं देखी ना तो मैं बता दूं, मैंने कैमरा बैटरी सब कुछ ले लिया है। ये स्टार्टिंग एट 8.999 करोड़, इतना सस्ता है क्यों? ये तो हमारे बजट में, थोड़ा बजट के बारे में, स्टार्ट 8.99 करोड़ से हो रहा है तो उसके अंदर एनी गर्ल्स अवेलेबल जो जिनका इसी एरिया में घर हो प्लीज कॉन्टेक्ट पारप्रम सिंह माधवा। शुगर मॉमी। हेलो जी, हम लोग आ चुके हैं फीनिक्स पैलेडियम वाले मॉल में। मुझे बहुत गंदी वाली भूख लगी है। यहाँ पर मैंने कुछ तो 3-2-1 टैंगो कुछ मंगवाया है, इसमें बेसिकली सारे ऑरेंज जूस, पीच जूस सब मिक्स है। हमने भी हमारे पड़ोसियों के ऐसे काटा चक्कू से खाते देखा है। यस पार आलू पकौड़े, आलू पकौड़े नाइस। चलो लेट्स हैव आलू पकौड़े। ये लिटरल टर्म्स में ज्वेल वाली प्लेट है, इसकी शक्ल बहुत डरावनी बिल्ली है और ये हमें खाते हुए ऐसी देखने वाली है। आई एम राइट नाउ हियर एट तनिष्क। हमने ले लिया है एक नेक पीस, फोटो अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। यस, आई एम सो स्लीपी। वी हैव फाइनली मेड इट टू स्टेशन। बहुत ज़्यादा ठंड थी तो हमने जो ये कपड़े खरीदे हैं यही पहन लिए, क्योंकि जितनी ठंड हो ये लोग लिनन सही कह रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। मैं भी सूरत आने वाला है, सो एक्साइटेड। मेरे ना शूज़ बहुत टाइट हैं तो मेरे पाँव में स्वेलिंग आ गई, सो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू गो इन जस्ट स्लीप क्रश। यहाँ जो अंकल लोग कर रहे हैं बस वही जाके घर मेरे को भी। जो पीछे आपको लड़की दिख रही है ये लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है, मेरे को फालतू इतनी सिली अपडेट्स दे रही है अपने जीवन की, जो सुनने में मुझे 2 रुपए का अभी हाल फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मेरे को पंचायत बहुत पसंद है। दरवाजा बंद करके जाकर हर बार दरवाजा खोलती है और खुला छोड़ के चली जाती है। अगर मैं पैसे लेने लगूँ ना तो जो दरवाजा खुला छोड़ के जाने के लिए, तो मैं आज इतनी अमीर हो जाऊँ कुछ कहने को नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जस्ट लव व्लॉगिंग हम हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह पे, और ये मैं मेरा कैमरा टेस्ट करने की एक्टिंग कर रही हूँ। हम आ चुके हैं फाइनली एयरपोर्ट पे। आई होप मैं बहुत सुंदर और सुशील लग रही हूँ। मुझे सब कुछ चुपके से ऐसे करके व्लॉग करना है तो मुझे बस देखना है कि मैं कैसी लगूंगी, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, समझ लो आप। आपको ऐसा ना हो कैमरा मैंने इतना साफ ले लिया, तो आपको मैंने क्या खाया है, कल भिंडी खाई थी, ओ बैगन का भरता, ऐसा सब दिख ना रहा हो, ऐसा उम्मीद मैं करती हूँ। यस गाइस, आई एम ऑलरेडी, वाओ वेरी प्रीटी। सो हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आई हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। आई एम गोना सी इन माय नेक्स्ट वन बहुत 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 जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। टाटा।